हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर्स। स्टैंडर्ड 12th का सम है। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम नंबर 9 हम आज कवर करने वाले हैं। सम नंबर 9 में स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग क्या दी है? माधव राधा कॉपी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2016 वॉज एन अंडर। अब इनका ओल्ड रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। इन सब के डिनोमिनेटर इक्वल कर दोगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 3:1। डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करना है? 1/2, 1/3 एंड 1/6, ये आपके ओल्ड रेशियो है। अब सबसे हायर डिजिट कौन सा है? 6। तो इन दोनों को कैलकुलेशन करके 6 कर दो। तो यहाँ मुझे 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जितना नीचे करते उतना ही ऊपर मैक्स का कैलकुलेशन है। और यहाँ मुझे 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 करूँगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये 3 1 3, 2 3 6, इस टू 1 2 2, 3 2 6, इस टू 1 और 6। ये तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर पहले से ही 6 है। तो आपका रेशियो क्या हो गया? 3:2:1। अगर आपके जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते तब तक आप उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। अब हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में ही रेशियो तो ओल्ड निकाल दिया है 3:2:1। अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया है। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया है। माधव का 1,36,000, राधा 50,000, गोपी 54,000, टोटल 2,40,000। क्रेडिटर्स 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000। ऐसे नोट कर दीजिए कि ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ हो एडजस्टमेंट में, ये वाले सम में क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है तो इसकी इफेक्ट दूसरी आएगी। वरना अगर कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ क्रेडिटर्स में लिख देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं हुआ हो तो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है तो लॉस पहले इसमें से कवर किया जाएगा, फिर जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सब में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इन सब ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। नेक्स्ट कैश में दिया है 12,000, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। डेटर्स, उसमें से पहले ही PDR माइनस हो चुका है 5,000। स्टॉक दिया है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक ये आपकी जो होती है वो हाइडन एडजस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया है 58,000, ब्रैकेट में दिया है मार्केट वैल्यू 64,000। हमेशा हम सब में मार्केट वैल्यू शो करते हैं तो हमें कौन सी शो करनी है? 64,000। तो जो इंक्रीज हुआ वो क्या होगा? रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा। पेटेंट दिया है आपको 35,000, बिल्डिंग दिया है 75,000, एडवर्टाइजमेंट कंपाइन एक्सपेंडिचर दिया है 24,000। एडवर्टाइजमेंट कंपाइन एक्सपेंडिचर 12th के पेज के हिसाब से ये हमेशा एसेट साइड दिया जाएगा आपको। तो ये हमेशा पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, लेकिन डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये एक चीज़ जो होती है वो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में दिया है कि वैल्यू ऑफ पैटर्न इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, वेर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू रिड्यूस 290%। यहाँ पे बाय 20% है, ये 290% है। इट मीन्स पैटर्न को बाय 20% मतलब 20% कम करो, और बिल्डिंग रिड्यूस 290% मतलब उसे 90% तक लेके आओ। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट 30,000। मैंने कहा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर कोई क्लेम एक्सेप्ट हुआ है तो पहले वो रिकवर होगा। यहाँ पे क्लेम कुछ ज़्यादा ही रिकवर हो चुका है रिजर्व से,
इसमें क्या होगा, ये 24,000 तो पूरा पहले कवर किया जाएगा इस 30,000 में, बाकी जो 6,000 का डिफरेंट अमाउंट होगा वो हम रिवॉल्यूशन में डेबिट करेंगे। पीडीआर रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि पीडीआर हमें मेंटेन करना है 5%। देखो, मेंटेन एंड इंक्रीज में फ़र्क है। मेंटेन अगर बोला होता तो हम 80,000 का 5% करते हैं। अगर इन्होंने इंक्रीज कहा है मतलब कि हमें 80,000 का और 5% इंक्रीज करना है, मीन्स 4,000। नेक्स्ट पॉइंट दिए इन्होंने, 40,000 इज़ टू बी पेड टू राधा एज अ गुडविल इन शेयर इन गुडविल। अब मैंने एडमिशन के चैप्टर सम सारे करवा दिए। वहाँ पे क्या होता है कि एक न्यू पार्टनर आता है, उसे गुडविल ओल्ड पार्टनर्स देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, जैसे कि यहाँ राधा रिटायर हो रही है 1/4/16 को, तो ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं वो रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देते हैं। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में। फिफ्थ, हम गेन रेशियो भी निकाल देंगे। इस सब में गेन रेशियो बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट दिए, ₹500 रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। अगर कोई बैड डेब्ट्स आपका रिटर्न ऑफ किया हो अर्लियर और उसका रिटर्न हो रहा है, तो इसको इसके अंदर इंक्लूड मत करना बीडीआर के अंदर, क्योंकि ये पूरी अलग इफेक्ट होती है, ये अलग होती है। अगर कोई बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हुआ हो लास्ट ईयर, उसका रिटर्न आता है, तो पहली एंट्री आती है कैश में, कैश आया तो डेबिट, सेकंड आपके लिए एक प्रॉफिट है तो वो रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिक्स्थ पॉइंट है, 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 10% एनम। तो यहाँ पे हमें 5,000 जो कि है उसकी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे, उसे पे कर देंगे, बाकी जो भी बचेगा उसे टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट का अकाउंट भी मैं बना रहा हूँ, वह 10% हमें इसे पे भी करना है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। प्रिपेयर करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर राधास लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली पेड। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है, कैश बैलेंस भी बना दिया है एंड बैलेंस शीट भी बना दिया है। लास्ट में हम राधा का लोन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सम की शुरुआत हमेशा ओपनिंग बैलेंस से की जाती है, तो यहाँ आप लिखोगे बाय ओपनिंग बैलेंस। माधव का है 1,36,000, राधा का है 50,000 एंड गोपी का है 54,000। क्लियर। और यहाँ पे हम कैश बैलेंस भी ओपनिंग लिखने वाले हैं, टू ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 12,000। अब नेक्स्ट हम सम की स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस तो कर ही दिया है। अब सबसे पहले पहली एडजस्टमेंट क्या है कि वैल्यू ऑफ पैटर्न इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% और बिल्डिंग की इज टू रिड्यूस टू 90%, ठीक है। तो पैटर्न पहले लिख लो, पैटर्न आपका है 35,000, अब इसे रिड्यूस करना है 20%। तो 35 का अगर 20% करेंगे आप तो आपका आएगा 7,000। 35,000 में से 7,000 माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा 28,000। नेक्स्ट इन्होंने कहा था बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000। ये बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना 100% है, हमें 90% पे शो करनी है, तो हम कितना रिड्यूस करेंगे? 10%, ठीक है। तो बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75,000 में से 7,500 निकाल दो तो 67,500। अब ये जो अमाउंट डिक्रीज हुआ है तो एक तरह का ये आपका लॉस है, तो ये जो लॉस होता है उसे हम रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड दिखाते हैं, टू पेटेंट अकाउंट 7,500
और यहाँ दिखाएंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 7500। हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट 30,000। अब हमारे पास जो रिजर्व पड़ा था वो 24,000 का था, एक्सेप्ट हुआ 30,000 का, तो यहाँ करना है सबसे पहले तो जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सेप्ट हुआ है वो यहाँ लिख दो, जितना अमाउंट हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना एक्सेप्ट हुआ है, 30,000। अब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 24,000। तो 30,000 में से 24,000 आप रिकवर कर चुके हो, बाकी 6,000 जो उसकी इफेक्ट आएगी आपकी रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बाकी अब पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीडीआर जो है हमें 5% इंक्रीज़ करना है। अब मैंने पहले ही कहा था कि मेंटेन और इंक्रीज में फ़र्क होता है, मेंटेन बोला होता तो हम उतना रखते हैं, लेकिन उन्होंने इंक्रीज बोला है। तो 80,000 तो आपके डेटर्स है, तो सबसे पहले 80,000 का आप 5,000 का 5% करिए तो आपका आ जाता है 4,000। और पहले से ही आपने 5,000 निकाल के रखे थे तो टोटल आपका 9,000 आपका बीडीआर आ गया। तो 80,000 में से 9,000 गया तो कितना बचा, आपके डेटर बचे 71,000 के। और यहाँ पे कितने की बीडीआर दिखाओगे, तो यहाँ पे हमेशा जो आपने न्यू निकाली है वो बीडीआर निकालोगे 4,000। 5,000 आपको नहीं लिखनी है, वो ओल्ड है। इसके बाद जो आपके एडजस्टमेंट है वो ये है कि 40,000 इज़ टू पे टू राधा एज अ शेयर इन गुडविल। अब 40,000 राधा को तो पे करेगा, कौन करेंगे, माधव और गोपी, कौन से रेशियो में, केन में। केन का फॉर्मूला होता है आपका जैसे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, वैसे केन का भी फॉर्मूला होता है सीधा न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, इसका उल्टा। लेकिन ये वाले सम में आप देखोगे आपको ओल्ड दिया है न्यू नहीं दिया है, तो अगर न्यू नहीं दिया है सिर्फ ओल्ड दिया है तो आप ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लोगे। तो ओल्ड राधा निकल रही है, माधव का है 3, इसका है 1, मतलब जो 40,000 है वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख दीजिए, पहले यहाँ लिख दो टू राधा अकाउंट, ठीक है, 40,000 देने। अब राधा कितना दे, राधा को मिलेंगे, अब माधव कितना देगा, 40,000 को 3:1 में बांट दो, तो 30,000 है वो माधव देगा और 10,000 है वो गोपी देगा। यहाँ पे लिख दीजिए बाय माधव कितना 30,000, और यहाँ पे लिख दीजिए बाय गोपी कितना, अकाउंट सब में लिखना पीछे 10,000, क्लियर। गोपी कितना देगा 10,000। अब 500 आपको बैड डेट्स रिसीव हुए है तो आपका एक तरह का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा दो बाय पीटीआर, ठीक है, कितना 500, और यहाँ लिखा दो टू पीटीआर 500। उसके बाद कहा है 5,000 राधा को पे कर देने बैलेंस अमाउंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो ये वाला तो पूरा अलग ही अकाउंट बनेगा इंस्टॉलमेंट का। यहाँ पे 5,000 हमें राधा को पे करने हैं तो राधा के अकाउंट में यहाँ दिखा दो टू कैश अकाउंट 5,000, और कैश अकाउंट में दिखा दीजिए पाए राधा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट 5000। ठीक है, ये आपका सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज और एसेट नीचे कैरी फॉरवर्ड करनी है। क्रेडिटर्स लिख दीजिए 50,000, उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 15,000 का, उसके बाद आपकी आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे आपको लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो 12,000 को आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 12,000 × 3/6, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्रेडिटर्स हो चुका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कुछ बचा ही नहीं, ईपीएफ हमने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक लिख देते हैं, कैश एंड बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक लिख देते हैं 62,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो आपकी है 64,000 दिखानी है मार्केट वैल्यू, तो बाकी का जो आपका 64 ऐसे 58 निकालो, 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो आप कहाँ दिखाओगे, रिवॉल्यूशन बाय इन्वेस्टमेंट, कितना 2×4 = 6,000। पेटेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्सपेंडिचर 24,000 है, जो कि हमें पार्टनर्स के डेबिट साइड शो करनी है, 24,000 है, तो ये आपका हो जाएगा 12,000, 8,000 एंड 4,000। ओके, अब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है और सारी बैलेंस शीट के बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम टैली करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा बोलता है, तो पहले वो लिख दो, 7,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो आपका टोटल आया 24,500। अब डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ आपको हो रहा है लॉस बाय रिवॉल्यूशन लॉस, जो कि ये माधव, राधा और गोपी को 3:2:1 मीन्स ओल्ड रेशियो में बांटेंगे जो भी हमारा लॉस आएगा। तो 24,500 में से 500 माइनस कर दीजिए एंड 6,000 माइनस कर दीजिए, सॉरी 6,000, तो 18,000 जो आपका रहता है ये आपका लॉस रहता है, जो 18,000 हम 3:2:1 में बांट देंगे। ठीक है, 18,000 × 3/6, 9,000 माधव के अकाउंट में एंड 2/3, 6,000 राधा के अकाउंट में, 9,000 प्लस 6,000 माइनस 18, 3,000 कॉपी के अकाउंट में लॉस होता है, तो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे, सबसे पहले माधव का टोटल कर दीजिए क्रेडिट साइड का, तो 1,36,000 प्लस 6,000, तो यहाँ आपका आ रहा है 1,42,000। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 1,42,000, यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि बैलेंस शीट में ये बैलेंस आने वाला है, 1,42,000 में से 30, 12 और 9 माइनस कर दो, 30,000, 12,000 एंड 9,000, तो आपका बैलेंस बचा 91,000
अब कॉपी का टोटल कर दीजिए तो आपका कॉपी का टोटल आता है 56,000। यहाँ भी 56,000, 56,000 में से आप डेबिट साइड का अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपका टोटल आएगा 39,000। ठीक है, 56,000 माइनस 10,000 माइनस 7,000, 39,000। अब लास्ट में करिए राधा जो रिटायर्ड हो रही है उसका टोटल करिए कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 40,000 गुडविल प्लस 4,000, तो 94,000 का टोटल आ रहा है यहाँ और 94,000 यहाँ आ रहा है। अब 94,000 में से ये डेबिट साइड का माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 75,000। ये ऊपर लिखना क्योंकि ये एक हम लोन हुई आपकी, टू लोन अकाउंट। अब ये दो बैलेंस आप यहाँ दिखा दो पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल माधव एंड कॉपी 71,000, सॉरी 91,000 एंड 39,000। तो टोटल आपका कैपिटल बैठ रहा है अभी 1,30,000 और यहाँ पे राधा लोन अकाउंट दिखाओगे क्योंकि अभी वो आपकी पार्टनर नहीं रही, रिटायर्ड हो चुकी है, 75,000। अब कैश बैलेंस को टैली करेंगे 12,500, 12,500। ठीक है, और जो बचेगा आपका बाय क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। 12,500 में से आपका 5,000 गया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है 7,500, जो कि कैश बैलेंस आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड 7,500। अब आप लाइबिलिटी साइड फर्स्ट टोटल करिए तो 1,30,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, टोटल लाइबिलिटी है 3 लाख। अब आपकी ऐसे ही एसेट भी आनी चाहिए 3,28,000 प्लस 67,500 प्लस 64,000 प्लस 71,000 प्लस 62,000 प्लस 7,500। ठीक है, तो आपका एसेट साइड भी आ गया 3 लाख। तो ये आपकी हो गई बैलेंस शीट टैली। अब हम चलते हैं राधा के लोन अकाउंट में। आपका यहाँ पे बैलेंस शीट कौन सी थी, 31,3,16। तो हमें राधा को टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 16 को आपका ईयर ख़त्म हुआ, मतलब 1/4/2016 को आपका न्यू ईयर स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना बैलेंस था उसका देने का 75,000। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स 31/3/2017 को यहाँ पे आप लिखिए बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने पे होगा 75,000, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बचता है उस पर 10%। तो 7,500 आपका टोटल हुआ इंटरेस्ट। तो टोटल आपका बैलेंस यहाँ हुआ 75,000, 7,500 टोटल हुआ 82,500। अब आपको टू इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है तो लास्ट एट द एंड ऑफ द डे 31/3/2017 यहाँ लिख दीजिए बाय बैंक। 75,000 का आधा कितना हुआ, 37,500। आप 82,500 का आधा मत लेना, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट का हाफ होगा, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है, इंटरेस्ट फुल्ली पेड होता है, इंटरेस्ट एक तरह की आउटसोर्स इनकम होती है उनके लिए। तो 37,500 प्लस 7,500 तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है विथ इंटरेस्ट 45,000 का, जिसमें आपकी हाफ इंस्टॉलमेंट कवर हो चुकी है। तो 31/3/2017 का क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या बचा,
75,000 का हाफ 37,500। अब ये 1/4/2017 का ओपनिंग बैलेंस होगा, पाई ओपनिंग बैलेंस कितना 37,500। अब 31/3/2018 को वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल अमाउंट में जो ओपनिंग का था, तो ओपनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट था 37,500। अब इसका 10% करोगे तो आपका आएगा 3,750। अब टोटल आपका बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड का आ रहा है 41,250। अब ये कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इट मीन्स आपको पूरा कैश पे कर देना है, तो पाई बैंक हो जाएगा पूरा का पूरा 41,250, जो कि क्लोजिंग बैलेंस आपका कुछ बचा ही नहीं। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने राधा को पे भी कर दिया। ओके सम क्लियर हो गया होगा आपका, नहीं हुआ हो तो एक और बार वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।